लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां पर क्रिस्टन ट्रोस पीरियड के जेर एहतमाम लाहौर के निजी होटल में ईस्टर मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें फादर मॉरिस जलाल, पादरी अरशद जान, अमजद सलीम मिनहास, मोहम्मद वसीम, साजिद क्रिस्टोफर और लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में CEO आशर सरफराज और मिस कैथरीन सपना, डायरेक्टर क्रिस्टन ट्रोस पीरियड ने आने वाले मौजूदीन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने प्रोग्राम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा है कि हमारी तंजीम का मकसद पिसे हुए तबके के लोगों के लिए है और उनको लीगल एड फ्राहम करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री दी जाती है, और अब हम इसके अलावा सहाफ़ियों के मसाइल पर भी काम कर रहे हैं ताकि उनके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सके और देखा जा सके कि हम किस तरह से सहाफ़ियों की मदद कर सकते हैं। और आखिर में मेहमानों ने ईस्टर का केक भी काटा। सेंट कोलंबस पैरिश के प्रीस्ट हैं और सबसे जो हमारे लिए फख्र की बात है वो ये है कि हमारे स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो इसके साथ साथ मैं अपने तमाम वकला की टीम और जो जितने हमारे फ्रेंड्स बैंक से आए हैं, मैं सबको वेलकम करती हूँ। और साजिद क्रिस्टोफर साहब, जो कि HFO के डायरेक्टर हैं, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रेसिडेंट हैं उसके, और वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो सबसे पहले आए। और आई एम वेरी सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ, तो प्लीज़ आप अगर आगे आ जाएं तो आगे आके बैठें प्लीज़। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, हमने एक ये सिर्फ एक छोटी सी गैदरिंग अरेंज की थी फेलोशिप के लिए। और चूँकि ईस्टर का त्यौहार गुजरा और फिर उसके बाद ईद उल फितर आई, कुछ रोज़े हमने मिलके इकट्ठे रखे, तो उसके बाद ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी कि जो हम चाहते थे कि जिन लोगों के साथ हमारा डेली इंट्रैक्शन होता है हम मिलकर एक लंच ऑर्गेनाइज कर सकें। तो टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो इस प्रोग्राम को ब्लेस करने के लिए मैं रेवरेंड फादर मॉरिस जलाल साहब को दावत देना चाहती हूँ कि वो आए और एक केयर करें, उसके साथ ही खाने के लिए भी दुआ करें ताकि खाने में बरकत हो और हम सब खाएँ और उससे सेर हों। तो आप सबकी तालियों में फादर हम दुआ मांगे। एक दुनिया के खालिक और मालिक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, जिंदगी की बड़ी नेमत के लिए और इस जिंदगी को कायम दायम रखने के लिए। तो हर रोज हमें बेशुमार नेमतें अता करता है, तो जिंदगी में ढेरों खुशियां भी देता है। हम सब यहाँ पर CTS के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज हम सबों को यहाँ पर इकट्ठे किया है ताकि खुशियों के लम्हात मनाए जाएं
ईस्टर की ब्लेसिंग के लिए, ईद उल फितर की खुशियों के लिए, और बख्श दे खुदावन कि हम बाहमी मोहब्बत में एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानी बेहतरी और भलाई के लिए काम करते रहें। आज का ये मिल बैठना एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस हो, और ख़ासकर CTS के लिए बरकत का बाइस हो। और हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक और मुकद्दस नाम के वसीले से, आमीन। May I request to Asif sir from Sunari Bank, please आप आए और एक छोटी सी दुआ प्लीज करिएगा, क्योंकि हम ईस्टर के साथ ईद उल फितर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक दुआ कर सकें कि हम अपनी जो रिलीजियस बाउंड्रीज है उनसे आगे निकल के एक नेशन बन के मिल के उनकी तरक्की के लिए काम कर सकें। और जो ये CTS की ऑब्जेक्टिव्स में देख रहा था, मेरे ख्याल में ये वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी रिलीजन के हवा से बियॉन्ड है। और जाहिर है अगर बच्चों के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है, तो हर जो मज़हब है ये इस चीज़ का दर्श देता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जैसी है पाकिस्तानी कौम के हमें तरक्की दे, हमें खुशियाँ दे, जो इस वक्त हमारा मुल्क जो है जिन मसाइल से जो दरपेश है हमें, अल्लाह ताला उन मसाइल को दूर करे और पूरी कौम के लिए खुशहाली का सबब हो मामला और सब सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देना चाहती हूँ पास्टर इरशाद जोन साहब को कि वो आए और खाने के लिए दुआ करें, ताकि हम फिर लंच स्टार्ट कर सकें। एक बार फिर हम खामोशी भी इख्तियार करेंगे कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं। तो मेहरबानी से अगर आप मोबाइल पे हैं तो उसको भी बंद कर दें, अगर आपस में गुफ्तगू करते हैं तो उसको भी चंद लोगों के लिए ज़रा स्टॉक कर दें। कादर मुतलक हमारे परवरदिगार सिद्दा खुदा, आज की इस मिलन पार्टी के लिए जब हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं और सारी सेलिब्रेशन को खाने की सूरत में भी सेलिब्रेट करते हैं, हम उन तमाम लवाजमात के लिए जो खाने की टेबल पर हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिन वसाइल से मुहैया हुई, जिन हाथों ने तैयार की, उन सब के लिए हम तेरा शुक्र करते हुए दुआ करते हैं कि पाक कर हमारे बदले को लिए मुफीद बना, ताकि जो कुव्वत ताकत हासिल करें वो तेरे जलाल और बुजुर्गी के लिए हो, और जिन गरीबों यतीमों बेवाओं को नहीं मिला उनको भी अता कर ताकि वो भी खाएँ तेरा शुक्र करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से मांगते और पा लेते, आमीन। अभी ईद का मौका हो और केक ना कटिंग हो तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है, तो हमारी टीम ने एक केक का अरेंज किया है, तो उसके लिए केक कटिंग के लिए मैं जब तक वो केक यहाँ पर लेके आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पास्टर साहब आप प्लीज़ आएँ स्टेज पे, फतेह जी आपकी, और ये हमारी जो बैंक्स की टीम है प्लीज़ ये भी आ जाएं, तैयब भाई भी आए हुए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम तैयब भाई, और अमजद सलीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप भी आएँ, हमारे चेयरमैन साहब हैं हमारे बोर्ड के, और मोहम्मद वसीम साहब प्लीज़ आप भी आइए और हमें ज्वाइन करें केक कटिंग के लिए। नदीम हसन साहब हमारी लीगल टीम के हेड हैं और उनके साथ AD चौधरी साहब बैठे हैं जो हमारे क्लैब के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप भी प्लीज़ आइए, और हारून रंजन साहब क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और CTS के लीगल कंसल्टेंट हैं, और सबसे बड़ा नाम जो साजिद क्रिस्टोफर साहब जो HFO के डायरेक्टर हैं प्रेसिडेंट, उनको भी मैं दावत दूंगी कि वो भी आएं। मैडम समीना जी प्लीज़, लाहौर बार की फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको भी हम दावत देते हैं कि हमें ज्वाइन करें।